स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राउंड टू रामपुर में। और सबसे पहले मैं आपको विश्व कंजर दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। जितने भी कंजर हैं आज नहा लें, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है ये। और इसी के साथ हम खबरों का बुलेटिन जारी करते हैं। लगभग 100 फटाफट खबरें आपके बीच में। तो पहली खबर आ रही है ग्राम खोद से, जहाँ पर 3 सटेरी IPL में सट्टा लगाते हुए थाना अजीम नगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। 3 सटेरिये गिरफ्तार कर लिए गए हैं खोद से। और दूसरी खबर आ रही है ग्राम रतनपुरा से, जहां पर साइकिल चोरी का गोदाम पकड़ा गया है। लगभग 500 साइकिलें उस गोदाम में पाई गई हैं और 3 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजीम नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लगभग पिछले 3 महीने से साइकिल चोरी की लगातार घटनाएं आ रही थी, तो अब जाकर मामला शांत हुआ है। 500 साइकिलें रतनपुरी के गोदाम में से पकड़ी गई हैं। और तीसरी खबर ग्राम सिगनखेड़े से आ रही है, जहां पर 65-65 किलो के 2 अजगर सांप पकड़े गए हैं बोरियों में भरे हुए। गांव वालों में एक डर सा पैदा कर दिया है उन अजगर सांपों ने। और चौथी खबर इसी बीच आ रही है आगे से, जहां पर 3 भेड़ें चुरा ली गई हैं। 3 भेड़ियों की चोरी हो गई है। पीड़ित ने पुलिस चौकी खोद में तहरीर देकर मामले को सुनवाई की, कार्रवाई की दरखास्त दी है। और पांचवी खबर आ रही है बहादुरगंज से, जहां पर मस्तान अब्बा का उरस शुरू हो गया। वहां पर अकीदतमंदों का तांता लग गया है। और पिछले 3 साल से कोरोना की वजह से ये जो था मामला निपटा हुआ था, इसमें उरस शुरू नहीं हो पाया था। अब अकीदतमंदों की भीड़ जुटी हुई है। और छठी खबर काशीपुर से, जहां पर तमन्ना होटल में बिला दावत के दावत खाते हुए 4 काशीपुर के व्यक्ति पाए गए हैं। और लड़की वालों ने जब उनसे पूछा कि किधर से हो, तो बोले लड़के वालों की तरफ से हो। लड़के वालों ने जब इनकार कर दिया तो बोले टेंट की तरफ से आए हैं हम। और टेंट वालों ने भी मना कर दिया, तो फिर लड़की पक्ष वालों ने उनको गंज पुलिस को फोन कर उनको पकड़वा दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर ग्राम हकीमगंज से, हकीमगंज में रात एलियन से भरा जहाज उतरा और उसको एक एलियन को पकड़ लिया गया है। वहां पर सूत्रों की माने तो लगभग 12 बजे वो जहाज यहाँ पर उतरा है। और हम अपने वरिष्ठ संवाददाता शाहमत अली से एक रिपोर्ट आपको सुनवाना चाहेंगे। हेलो, बोलिए, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप शाहमत? हेलो, सुन पा रहे हैं, बोलिए। अच्छा अच्छा तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या हुआ था पूरा मसला। मैं इस वक्त यहीं पर खड़ा हूँ, ये बाग है जहाँ पर ये शिप उतरा था। और मैं ग्रामीण वालों से, ग्रामीण वासियों के बीच में ही खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सर कितने बजे उतरा था वो शिप? ये सर 12 बजे के लगभग उतरा था। अच्छा, तो सबसे पहले उसको किसने देखा? ये साहब हमारे गांव के एक युवक ने देखा था, जमीन नाम की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गांव में कुछ हलचल सी हुई थी, कुछ उजाला उजाला, क्या मसला हुआ था, किस तरीके से पता चला कि अंतरिक्ष यान उतर रहा? साहब गांव में तो मार चुट गई थी, डीके उड़ गई थी। अच्छा, तो सूत्रों की माने तो लगभग 12 बजे ये जहाज यहाँ पर उतरा है सर। और हेलो, हाँ सर, लगभग 12 बजे यहाँ पर जहाज उतरा है। और यहाँ पर जो एक जमीर भाई रहते हैं हकीमगंज में, जो मुंह से बोलते नहीं है, कानों से सुनते नहीं है, वो आग के आगे हाथ ताप रहे थे। तो उसमें के ज्यादातर एलियन तो उन्हें देखकर डर गए और जो जहाज था वो पीछे को लौट गया। लेकिन उसमें से एक एलियन जो बिल्कुल नंगा था, ठंड के कारण कपकपा रहा था, धरती पर ठंड ज्यादा है उसके कारण वो कपकपा रहा था। तो वो जो था एलियन उनके पास में आया और आग के आगे बैठ गया। तो उन्होंने अपनी आवाज में, मतलब बोलते तो है नहीं, जब्बा जब्बा कुछ भी बोला। तो उसने जो है उनका हाथ पकड़कर उनकी भाषा जो है ट्रांसफर मान ली अपनी तरफ को, और तब से वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहा है जिस तरीके से हम आपको बताते चले। उसने पहली बात ये रखी है कि बीजेपी और समाजवादी को वोट न दें और कांग्रेस को बहुत ही अच्छी पार्टी बताया है। उसके हाथ में प्रियंका गांधी का प्रतिज्ञा कार्ड भी था और वो कह रहा था कि अपने भलाई के लिए प्रियंका गांधी को वोट दीजिए। मैं शाहमत अली ग्राम हकीमगंज से दिखाए। तो कुछ देर के लिए रुकी है, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक खबरों में, और हम इस 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे। निर्मा डिटर्जेंट टिकिया निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा निर्मा। और बब्बन भाई क्या चल रहा है? चल ही रहा है यार, फोक चल रहा है। ओ चल तेरी माँ चोदू, अब तक फोक ही चल रही है भोफड़ी के। दुनिया की सबसे सिंपल बात, एयरटेल का सुपर लाइफ टाइम जिंदगी भर करो 1 रुपए की कार। ये एक बहुत ही बड़ी खबर मिली है हमें हकीमगंज से।
और उनने किस तरीके से प्रियंका गांधी जी की तारीफ की और बीजेपी और समाजवादी को वोट देने से इनकार कर दिया, हम आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक हलचल सा माहौल पूरे देश में है, उस गांव में है, तो लीजिए देखिए ये वीडियो किस तरीके से वो प्रियंका गांधी जी की तारीफ कर रहा है। हलचल का माहौल है गांव में, पूरा गांव जो है बाहर निकला पड़ा है इस वक्त। और ये देखिए बच्चे बाग में आ गए हैं हमें देखकर। और हम आपको बताते चले कि उसने सिर्फ प्रियंका गांधी जी की तारीफ नहीं की बल्कि रात में आदमियों को उठाकर उनने संबोधित भी किया। एक वीडियो और हमको मिल गया है सर, संबोधित करते हुए, मतलब वो जनता को संबोधित कर रहा था और अपनी पश्तों में कुछ कह रहा था कि प्रियंका गांधी जी के बाल कटे हुए हैं, उन्हें वोट दो, और पंजे का बार बार इशारा कर रहा था कि उससे आपकी भलाई होगी। मैं शाहमत अली राउंड टू रामपुर चैनल से, धन्यवाद सर। तो दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल राउंड टू रामपुर में, और अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम इंशाल्लाह जल्दी लौटेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।